फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिटपिट अलर्ट में। आज है सैटरडे और इवनिंग का टाइम है। हम लोग आज काइंड ऑफ शॉर्ट पिकनिक के लिए अपने बच्चे को बाहर लेके आए। ये गांधीनगर का सूर्यज्योत लेके एक फेमस स्पॉट है। आज मैं यहाँ आई हूँ और मैं जिस टॉपिक पे आज आपसे बात करना चाहती हूँ वो है 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। तो आज ये एक इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है, गवर्नमेंट हो, नगर निगम हो या किसी भी स्टेट के कार्यकर्ता, सब हमें प्लास्टिक के रिगार्डिंग अवेयर करना चाहते हैं क्योंकि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी जो एक देखिए ग्रीन एरिया ना, इसको डैमेज करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए हमें प्लास्टिक बैग को नो कहना चाहिए। इसलिए ही ये प्लास्टिक बैग फ्री डे को स्टार्ट करा गया था क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को और सोसाइटी में हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट कि अगर आप प्लास्टिक को नो बोलोगे तो आप अपनी नेचर को सेव कर पाओगे, अपने आप को काफ़ी डिजीज से बचा पाओगे, अपने इन्वायरमेंट में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब की भी रक्षा होती है। क्योंकि एक नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, कोई भी लगा लिया, आप खुद से लगा के देख सकते हैं। आप मार्केट में जाते हैं तो शॉपिंग में, चाहे सरकार कितने दिन से के ऊपर अवेयरनेस के लिए कितने प्रोग्राम्स चला रही है, लेकिन आम पब्लिक इस बात को नहीं समझ रही है। उनका तो मोटिव क्या होता है कि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान है कि अगर प्लास्टिक की जो लाइफ होती है ना, वो 500 साल तक वो डिकम्पोज डिग्रेड नहीं होता, मैक्सिमम उसे 25 मिनट तक ही यूज़ कर सकते हैं हम एक पॉली बैग को, लेकिन लोग उसे खूब ज़्यादा यूज़ करते हैं। और किसी भी मार्केट में आप नॉर्मल एक शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपको अगर सब्जियां लेनी है तो उनके पास ये प्लास्टिक की पॉलीथिन होते हैं, पॉलीथिन बैग होते हैं। इससे बेटर है आप अपने बाहर जब भी जाते हैं तो आपको बैग, कपड़े से बने थैले और बैग, ये सब लेके कैरी करके जाना चाहिए ताकि आप अपना सामान तो अच्छे से कैरी करके ला सकते हो, ऊपर से हमारी नेचर को सेव कर सकते हो। क्योंकि जित बेजुबान जो जानवर होते हैं, चिड़िया होती हैं, इनको तो पता नहीं होता है कि इस पॉलीथिन के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, लेकिन हम लोगों को तो पता है तो आप बचा सकते हो उसको। हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर चिड़िया हुई, कोई भी एनिमल हुआ, अगर वो उसको मुंह में लेके निगल लेता है तो उससे चोकिंग की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको कई तरह के कैंसर और भी स्किन डिजीज हो सकती हैं। तो आप लोगों को मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आप प्लास्टिक बैग, पॉली बैग को नो कहिए और घर से हमेशा थैले लेके चलिए। और जो हमारी सरकार ने अभियान चला रखा है इसके रिगार्डिंग, और कई स्टेट्स में इसके प्रोग्राम चल रहे हैं, इवन जो ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और भी कई सारी संस्थाओं में जो भी बेरोजगार महिलाएं हैं उनको भी इसके सहारे रोज़गार मिल रहा है। क्योंकि वो थैली, वो कपड़े के थैले बनाती हैं, पेपर के थैले बनाती हैं, तो उससे उनको तो रोज़गार मिल रहा है। आप इससे देखिए, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं, अपने नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, ऊपर से आप एक आम जनता, बिल्कुल नीडी पीपल, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ये सोर्स नहीं मिला है, एक दो बार सिर्फ बात करने से काम नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद एक संकल्प लेना पड़ेगा, अपने मन में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप, अगर आप अच्छा कार्य करोगे, अगर आप घर से बैग लेके जाओगे तो आपके आसपास के आपके नेबर्स हो या आपको जानने वाले, वो भी मोटिवेट होंगे कि हाँ, ये हर बार मार्केट में हमेशा बैग लेके चलते, तो वो भी अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो आप इतना तो अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी का जो बेनिफिट है ना इसका, वो आप ही को मिलने वाला है, ना कि औरों को। तो ये आप अपने लिए भी करें और औरों के लिए भी करें, तो कुछ नेक कार्य में अपना योगदान करें और पॉलीथिन बैग को नो कहें। और मार्केट में जब भी जाएं आप हमेशा पेपर बैग और कपड़े के बने हुए थैलों को लेकर जाएं, तभी शॉपिंग करके आएं। क्योंकि इस आप जब शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो आपके आसपास के लोग जब देखेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी सोचेंगे कि मैं भी ऐसे लेके चलता हूँ। और आप इस सोसाइटी को, जो इतना सुंदर भगवान ने हमें नेचर दिया है ना, इसको बचाने के लिए, देखिए मेरे आसपास कितनी हरियाली है, हर जगह हरा भरा, अच्छी हवा चलती है, पेड़ पौधे अगर अच्छे से रहेंगे उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो जो अभी कोविड का क्राइसिस चल रहा है, हमें हर जगह इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही मैसेज आज देना चाहूँगी आप लोगों को कि से नो टू पॉली बैग्स, तभी आप लोग अपने अच्छे से इस खुली हवा को इंजॉय कर पाएंगे, एक साफ एयर को ब्रीथ कर पाएंगे और अपने जीवन को एक अच्छी फिटनेस के साथ एक हेल्दी लाइफ को जी पाएंगे। और इसके अलावा आज एक और ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग न्यूज़ थी कि आमिर खान अब किरण राव के साथ 15 इयर्स की अपनी मैरिज को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इस कपल की मुझे अच्छी लगी, म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये दोनों समझदारी से उन्होंने इकट्ठे ये वीडियो वायरल करा कि हम
दोनों अपनी सलाह के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ होके साथ हैं भी नहीं भी, लेकिन अपनी फैमिली को, उनका बेटा जो है किरण राव और आमिर खान का आज़ाद, तो उसको वो इकट्ठे ही आगे बढ़ाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे। तो ये चीज़ मुझे इस कपल की अच्छी लगी कि इन्होंने ना ज़्यादा कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करके एक दूसरे पे कुछ इल्ज़ाम लगा के कुछ अफेयर के वजह से नहीं करा। उनकी अभी यह मेंटालिटी है कि हमने अपनी अच्छी मैरिड लाइफ जी ली है, एज अ फ्रेंड भी काफ़ी साल से हैं, क्योंकि जब लगान मूवी आई थी तब किरण राव के साथ आमिर खान का रिश्ता जुड़ा था और इस शादी को लगभग इन्होंने 15 साल निभाया, अभी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव ही मैसेज है, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा बचा नहीं है कि आप इसको कंटिन्यू कर पाओ, तो आपको खुशी खुशी फैसला लेके अलग हो जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके, फैमिली को तंग करके, अब्यूज़ करके या वॉयलेंस क्रिएट करके रिश्ते को तोड़ना बहुत ही गलत है, तो इसकी तो मैं सराहना करूँगी। बाकी बॉलीवुड की बातें, ज़्यादा बातें मैं नहीं करती क्योंकि मुझे वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि दोनों ने खुशी खुशी अलग होने का फैसला लिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर पे फोकस करने के लिए, और वो जैसे गंगा नदी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी एनजीओ से जुड़े हैं, तो वो उसमें अपना अचीवमेंट दिखाना शो करना चाहते हैं, उसमें अपना हार्डवर्क शो करके अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे ही आज का दिन ऐसे ही रहा। तो अभी सैटरडे है और बाकी आपको मैं पूरा व्यू दिखा देती हूँ इसका। फ़िलहाल जी सूरज होश लेक पे अभी रेन नहीं हुई है गुजरात में ज़्यादा, तो पानी डिपॉजिट नहीं है। बाकी जब इसमें पानी आ जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। बाकी इसमें काफ़ी सुंदर, देखिए पार्क है, काफ़ी क्राउड आया हुआ है और ग्रीनरी है। सबसे बेस्ट मुझे गुजरात में एक चीज़ लगती है, हर जगह सोलर लाइट के ना प्लांट लगे होते हैं, जैसे इवनिंग में लाइट तो ऑन होएगी, मॉर्निंग में इसमें सोलर लाइट से कितना सुंदर। आप देखिए यहाँ पे एक सनफ्लावर बना रखा है, सोलर पैनल है ये, और इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं, रात को इसमें लाइट ऑन हो जाती है। पीछे बच्चों के लिए पार्क है और ट्रैक बहुत अच्छा बना रखा है, इस पर सिंथेटिक मैटिंग कर रखी है, वो भी मैं आपको अभी व्यू दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी अच्छा पार्क है, छोटे छोटे बेंचेस है, कई जगह बेंचेस और डस्टबिन लगा रखे हैं, तो इवनिंग स्पेंड करने के लिए गांधीनगर में ये भी एक अच्छा स्पॉट है। सूरज ज्योत लेक और ये इसके सरिता उद्यान के अपोजिट मिलेगा आपको, तो आप लोग जो लोग गांधीनगर में हैं वो तो इस चीज़ से वाकिफ़ है, स्पॉट से। जो लोग नहीं है, जैसे जो मुझसे जुड़े हैं, वो लोग अभी इसके थ्रू देख सकते हैं कि ये जगह कैसे, और आप कभी भी गांधीनगर आएगा तो विज़िट करिएगा, क्योंकि इवनिंग में अगर आपको पीसफुल टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ तो ये स्पॉट दी बेस्ट है। तो आज हम हिंट पाए हैं, इसके बाद कुछ मैं आपको लेके चलूँगी एक सेक्टर 21 में पूजा पार्लर है, मैं उसका व्लॉग भी बनाऊँगी, बहुत ही अच्छे स्नैक्स हैं, क्योंकि 4 महीने के बाद आज हम बाहर निकले हैं फेब के बाद, देखिए अब जुलाई आ गया, मैं अभी बाहर आई, तो मैं कुछ आज स्नैक्स एंजॉय करके तब अपने घर जाने वाली हूँ। आप लोग भी अपने वीकेंड को प्यार से अपनी फैमिली के साथ बिताएं और अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, और ऐसी न्यूज़ के लिए अपडेटेड रहें। जैसे आज पॉली बैग फ्री डे था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमारी हेल्थ और हमारी सोसाइटी और हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी न्यूज़ थी, तो मुझे लगा इसके बारे में आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। बाकी मैं आशा करती हूं आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। तो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, बाय।